हाँ जी बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टेस्ट फर्स्टली। आफ्टर देन हम कल से सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई की तरफ से आया। ओके तो बेटा पहला क्वेश्चन मेरे पास हो गए इन द टेस्ट। बेटा इफ मेरे पास हो गए कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/3 देन टेन एक्स इज इक्वल टू, वेरी इजी। मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ पता कैसे करो, देखो ऑरली कैसे करेंगे। ये होता है b by h, हाँ जी। tan क्या होता है t by b, यानी नीचे तो 2 आना ही आना है। अब h निकाल, p निकालनी है तो वो क्या होगा 9 माइनस मेरे पास तो है 4, तो रूट 5 बाय मेरे पास क्या हो जाएगा 2। ओके क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, हाँ जी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होता है एच स्क्वायर माइनस मेरे पास बी स्क्वायर। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, पता चला डायरेक्टली, कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ मिनिमाइज योर कैलकुलेशन। नहीं समझ आ रहा तो गलत करने से बेटर है बना लो। सबको पता चल गया मैंने क्या किया। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरे पास साइन जो है 30 प्लस जो है कॉस 60 और बीच में दिया हुआ है माइनस साइन 60 प्लस कॉस्ट हो गए 30, वेरी इजी टू, ठीक है टू गए मेरे पास क्या हो गया साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस साइन 60 माइनस कॉस 30। मैंने आपको पहले यहां पर वैल्यूज पुट कर लो, तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी तो बेटर है कि वैल्यूज पुट करो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की 1/2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। अब मेरे पास हो गए ये 1/2 1/2 1 और ये माइनस रूट 3, दिस इज माई आंसर, क्योंकि ये भी 1/2 1/2 ही है ना। नहीं पता चलता तो बेटा एलसीएम ले। ओके क्लियर, क्या ले लो हाँ। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। कोई जरूरत नहीं है पूरा पूरा लिखने की बेटा। अगर आपको याद हो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जब बेटा माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 2 एलसीएम लिया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 बाय 2 कैंसल। लक्ष्य तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मैं ये चीज बेटा, यही तो बात है ना, दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं आपको कह रही हूँ कोई मैंने क्या कहते कंप्यूटर माइंड थोड़ा मेरा, कैसे हमारा हमें फटाफट पता चल जाता है 1/2 1/2 बाय प्रैक्टिस। हम हर साल बार बार ब्लैक बोर्ड पे वही सम करते हैं, हमें चीज पता चल जाती है। आप साइंस का एक फॉर्मूला बार बार पढ़ते हो आपको याद हो जाता है, सोशल का कोई प्लासी का वॉर या कुछ लर्न करते हो तुम्हें बार बार डेट याद हो जाती है, ऐसे ही मैथ्स में है। ठीक है ऐसे ही मैथ्स में है, जब तुम बार बार कैलकुलेशंस करोगे ना तुम्हारे माइंड में वो कैलकुलेशंस भी अपने आप आ जाएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है इसका आंसर ये। बट बार बार कह रही हूँ एमसीक्यूज की, अरे चाहे वो हजारों बार क्वेश्चन तुम्हारे आगे आए डू इट, चाहे वो बहुत ईजी है डू इट एंड चेक योर आंसर एमसीक्यू, तभी तुम फास्ट कर पाओ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने कहा कि 2 डाइस, अब बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं टोटल केस 36 होते हैं। कैसे होते हैं, हाँ जी 1 1 1 के साथ 6 ऐसे ही, 2 के साथ 6 3 के साथ 6 केस 4 के साथ
सिक्स, फाइव के साथ सिक्स, सिक्स के साथ सिक्स, टोटल केसेस कितने हो गए? ठीक है जी। अब बात है फेवरेबल की, कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, धड़ाधड़ सारे केसेस लिखने, क्यों? आपको कहा गया सम नाइन होना चाहिए। अपना माइंड यूज कीजिए बेटा, वन के साथ मैक्सिमम सिक्स आ सकता है, तो सम कितना रहेगा? सेवन, कोई नहीं आना। टू के साथ सिक्स आएगा, एट, सम नाइन नहीं आ रहा ना, यानी ये भी नहीं। अब थ्री के साथ, ओके, फोर के साथ, फाइव के साथ, सिक्स के साथ, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो? फोर ओवर 36। कोई जरूरत नहीं है कि सारा आप करके उसको रिप्रेजेंट करो। अब कोई सैंपल स्पेस के नंबर नहीं मिले, 3.6 लिया तो है, क्यों नहीं लिया? हाँ जी बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। मेरे पास हो गए अ बैग कंटेन, मेरे पास हो गए एक बैग में 5 बॉल्स हैं, हाँ जी, 5 रेड, क्वेश्चन नंबर 4 था, और सम ब्लू बॉल्स। मुझे नहीं पता कि ब्लू बॉल्स कितनी थी, मैंने एक्स ले ली। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू। एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, हाँ जी। तो मेरे पास ब्लू बॉल्स, अगर मैंने एक्स ली, एक्स ओवर टोटल एक्स प्लस 5, और ट्वाइस रेड बॉल 5 टोटल एक्स प्लस 5 कैंसल, आंसर इज ओके बेटा। विवान एनी डाउट? चलूं आगे? हाँ जी। अब बेटा कार्ड वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कौन सा? 0 2 to 101 वाला क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हाँ जी, दी हुई थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ओके, क्लियर बेटा? चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। मेरे पास उसने कहा है ग्राफिकली, ध्यान से सुनना बेटा, ग्राफिकली मेरे पास जो है द पेयर ऑफ इक्वेशंस, मेरे पास दी हुई है 7x - y = 5 और 21x - 3y = 10 रिप्रेजेंट टू लाइंस। वो कहता है ग्राफिकली ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? बेटा जब भी लीनियर इक्वेशन को चेक करना है, आपको पता है a1 ओवर a2 इज, मैंने सारी वैल्यूज निकाल लेनी है ना, मैं आपको यहां से रिवाइज भी हो जाएगा, मैं आपको एक बार सारे केसेस बता दूं। अगर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी, ओके, कंसिस्टेंट भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको अगर पूछा ग्राफिकली, तो ग्राफ में जैसे लाइंस बनती है ना, वो नेम सेलेक्ट करना है। अगर मान लो यहां पर नाम दिया होता यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप किसको टिक करते हैं? क्योंकि वर्ड उसने दिया है ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब आपको यही सॉल्यूशन दे, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो क्या करें। यूनिक का वन सॉल्यूशन होता है बेटा, मैंने कौन सा एक्स लिख दिया? मैं तो इसकी बात नहीं कर रही, मैं यूनिक की बात कर रही हूं, मैं जर्नल बात कर रही हूं अभी। हाँ जी, आंसर मत रटा करो, आई एम टॉकिंग जर्नल कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं मेरे पास। अगला, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1, नो सॉल्यूशन बट ग्राफिकली पैरेलल ना, ठीक है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बेटा, a1 ओवर a2
इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इक्वल टू सी वन. इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है जी. और लाइंस ओवरलैपिंग, ठीक है. और ये भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन. कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन निकल, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट बट यूनिक. ये कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट लाइन ओवरलैपिंग. डिपेंडेंट सोल्यूशन भी कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं. अगर ग्राफिकली देखो तो लाइन जो है ओवरलैप करती है बिल्कुल, ठीक है जी. बात समझ आ गई. अब डिपेंडेंट क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही लाइन मर्ज कर जाती है ना, तो दैट्स व्हाई डिपेंडेंट सोल्यूशन भी कहते हैं. अब देखिए कैसे चेक करते हैं. ए वन ओवर ए टू सेवन बाय ट्वेंटी वन वन बाय थ्री माइनस वन बाय माइनस थ्री वन बाय थ्री, ये भी बराबर है. अब इधर देखो दोनों कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है ना, ये गलती नहीं करनी. अगर दूसरी तरफ है तो दोनों उधर लो, अगर इस तरफ है तो इधर लो, तब कभी गलती नहीं हो, ठीक है. तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ आप सब कुछ इधर ही लिया, तो आंसर आ गया वन बाय टू. तो क्लियर कट ए वन ओवर ए टू इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज नॉट इक्वल टू सी. अच्छा जब पहले ही दोनों नॉट इक्वल हो ना, तब तीसरे को हम नहीं देखते, थर्ड वन को, सी वन ओवर सी टू को हम कभी भी नहीं देखते. बात क्लियर हो गई, ठीक है. तब कुछ नहीं देखना अगर पहली दो ही बराबर नहीं. क्लियर, चलू मैं आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हुए. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, इफ ये क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाला था. अब तो ये दो बार हो चुका है तो मुझे लगता है कि आपको याद ही हो जाना चाहिए था. इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर ए प्लस वेरी गुड. सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए. इसकी जगह क्या लिखेंगे, अब क्या कर देंगे, हाँ जी स्क्वायरिंग की, तो साइन स्क्वायर ए कॉस पावर फोर. अब साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये उधर ले जाएंगे तो कॉस पावर फोर प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा. ये दो बार हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है जी. तो जिसने ध्यान से सुना होगा उसको आंसर भी याद हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ध्यान से बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन. मेरे पास जो है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस के वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन. को इंसिडेंट लाइन मीन्स अनइक्वल, नबिया ये कहना तो बिल्कुल अच्छा, हाँ सारे इक्वल, ओके जी. को इंसिडेंट मतलब मेरे पास जो है ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी, जिसको हम ओवरलैपिंग सोल्यूशन भी कहते हैं. अब यहाँ जो गलती बच्चे करते हैं, मेरी बात सुनिए, हाँ जी ए वन ओवर ए टू किया माइनस थ्री बाय के, यहाँ बाय चांस के एक में ही था, ये दोनों सेम है. मेरी बात बेटा ध्यान से इसमें सोच सुनना. चलो पहले एक तो हम ये सॉल्व कर लें, तो के की वैल्यू मेरे पास हो गए माइनस टू बाय नाइन, यहाँ काम खत्म हो गया. इस एक सेकेंड के, बिल्कुल बिल्कुल माइनस नाइन बाय टू, ये क्वेश्चन तो इजी था, कोई प्रॉब्लम. बाय चांस मेरे पास हो गए यहां पर भी कोई केस केयर होता लाइक दिस, है ना. चलो मैं वैसे बता रही हूं, तो आपने
यहां केस केयर आया, आपने इसको भी कंपेयर किया, इसको भी इसके साथ कंपेयर की, करने पे जो दोनों में से कॉमन आएगा ना, मान लो एक से वैल्यू आई प्लस माइनस थ्री, दूसरे से वैल्यू आई थ्री, तो आपने आंसर क्या लिखना है? प्लस थ्री। अगर एक से वैल्यू आती प्लस माइनस थ्री, दूसरे से आती जीरो, नो सॉल्यूशन, नो वैल्यू ऑफ के, इज इट क्लियर? है ना। अच्छा एक और बात, कई बार क्या होता है, अगर ये जो के मेरे पास यहां कहीं होता, अगर पुट करने पे, मतलब वो क्वाड्रेटिक में मेरे को याद है कि क्वेश्चन था कि के एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ टर्म थी और वहां के का आंसर ना जीरो आ रहा था, अगर मैं जीरो पुट करूं वो तो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाती है, तो ऐसे में वो भी केस नहीं लेते, मतलब एक दो करने पे, मतलब पहले दो मेंबर को इक्वेट करने पे प्लस माइनस थ्री आ रहा है, सेकंड और थर्ड में से जीरो आ रहा है, तो कैसे कुछ कॉमन है, मैं कैसे ले लूंगी? नहीं, के जीरो है तो नो सॉल्यूशन, नहीं मैं कह रही हूं, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है। एक तरफ से मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास ना मैंने दिल्ली जाना है, और दूसरी तरफ कह रही हूं कि मैंने जी अमृतसर जाना है कुछ कॉमन? हाउ कैन आई विल बी प्रेजेंट एट टू प्लेसेस? उधर से वो कह रहा है k की वैल्यू प्लस माइनस थ्री, और दूसरी तरफ से कह रहा है k की वैल्यू जीरो, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है जी, क्लियर, बात समझ आई मेरी? तो कॉमन चीज होनी चाहिए, अगर यहाँ थ्री होता ना या माइनस थ्री होता तो मैं कहती के की वैल्यू माइनस थ्री, बात समझ आई? वो लेना हो, मैं जी अगला ही कराने लगी हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ, द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, प्लीज लिसन इट केयरफुली, द ग्राफ ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू 4x इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू y एक्सिस, हो ही नहीं सकता क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस में ग्राफ कैसे होता है, इक्वेशन कैसी होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पहली दो ऑप्शन नहीं है। दूसरा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अगर बेटा कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, पैरेलल टू तो x एक्सिस हुई, तो ये भी नहीं है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस डी ऑप्शन इज इट। नाउ कम टू क्यू, अगर ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म, वो तो है ही नहीं, यहाँ y x दोनों है। ओके क्लियर, हाँ जी। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए जरा, मेरे पास पहला है x प्लस k प्लस वन y इक्वल टू फाइव, दूसरा k प्लस वन x नाइन y इक्वल टू एट k माइनस वन, माइनस वन अगली लाइन में लिखा हुआ है, एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा इनफाइनाइट मैनी में क्या होता है, ए वन ओवर ए टू इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। अब वन ओवर के प्लस वन, के प्लस वन ओवर नाइन, फिर फाइव ओवर एट के माइन, अगर आप इधर भी ले आते दोनों नेगेटिव कट ही जाने थे ना। अब पहले इनको क्रॉस मल्टी, ओके जी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू नाइन, आया कि नहीं, मैं शॉर्टकट करने लगी हूं, अगर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस भी आएगा ना, ये भूल जाते हैं बच्चे, तो के प्लस वन की वैल्यू प्लस माइनस थ्री, एक बार प्लस लिया
एक बार माइनस वन जब मैंने लिया तो यहाँ के की वैल्यू टू, यहाँ के की वैल्यू माइनस फोर, यहाँ आंसर नहीं दे देना। अभी इसको इसके साथ किया ही नहीं, या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, जिसके साथ मर्जी कर लो। हम बच्चों को कहते हैं पहले को इसके साथ, पहले को इसके साथ। जब मैंने किया तो एट के माइनस वन फाइव के प्लस वन, एट के माइनस वन फाइव के प्लस फाइव, ये इधर आया तो थ्री के माइनस सिक्स, क्योंकि ये फाइव है तो के की वैल्यू माइनस टू। देखो मेरे पास यहां से भी कुछ कॉमन नहीं आया, इसका मतलब मैंने इसको इसके साथ किया था, मैंने इसको इसके साथ भी किया ना, तो हाँ जी कैसे, यस 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब k की वैल्यू क्या आ गई, टू। थर्ड वाला भी करके देखते, वैसे आ जाती है 100% आती है कि आप किन ये दो मेंबर्स को कंपेयर करो, फर्स्ट को इसके साथ, फर्स्ट को इसके साथ, या इसको इसके साथ भी कर लोगे तब भी सोल्यूशन आएगा ही आएगा, कॉमन आता है। जो नहीं आया, अगर अगर नहीं आया तो नो सोल्यूशन, मींस नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर विच दिस सिस्टम हैज इनफिनिट, आनी चाहिए कॉमन। बस बात समझ आ गई, बच्चे ये करना भूल जाते हैं, वो यहीं से लो जी आंसर आ गया, नीचे ऑप्शन दिया टू माइनस फोर, लगाओ टिक। 95% बच्चे करते हैं ये गलती, मेरा इतने बताने के बावजूद ये पेपर में फिर से गलती होती। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, आप करते हो तो कई बार वो सेटिस्फाई भी कर सकती है, बेटर है आप क्या करो कैलकुलेट ही करो। ओके जी क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अब असर्शन रीजन मैं डिस्कस नहीं करने लगी, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो बेटा देखो, मेरी बात सुनिए बेटा,